छोटा एक बड़ा और नथ पहना दिया है जो कि बहुत बड़ी है लेकिन सुंदर लग रही है, और ये इनको टीका पहना दिया है, और ये देखो ये है दादू की गोद में वैष्णो। हैप्पी दिवाली करो, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। ये देखो सुबह सुबह चॉकलेट शुरू हो गई, दिवाली है आज। ये देखिए ये मैं बना रही हूँ माला। ये वाली बेली भी लिखी हुई है मैंने, कैसी लग रही है आप लोगों को जरूर बताइएगा। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आरती जोशी और आप देख रहे हैं प्रतिभा जोशी व्लॉग्स। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सोच रहे होंगे आज प्रतिभा जोशी व्लॉग आरती कैसे शुरू कर रही है। आज प्रतिभा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये व्लॉग स्टार्ट करूं, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूं। और आशा करती हूं आप सब भी दीपावली में खूब ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे। और अभी हम तैयार हुए हैं, यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए व्लॉग में, हम पूरे दिन भर क्या करेंगे और रात में कैसे दीपावली सेलिब्रेट करते हैं आपको सब दिखाएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए व्लॉग में, धन्यवाद। देखिए दिवाली की शुरुआत मैं कर रही हूँ इन आम के पत्तों से, ये तोड़ लिए हैं और अब इनकी बनेगी माला। तो सबसे पहला काम रहेगा इनको कट करने का, और फिर शुरुआत करते हैं आम के पत्तों और फूल की माला बनाने की। तो चलिए तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिए हैं और अब बनेगी फूलों की माला। ये देखिए ये मैं बना रही हूँ माला। ये हैं आम के पत्ते और ये देखिए इसको मैंने इसके अंदर डाला, इसे मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी स्टेपलर।
तो बहुत ही इजी है, आप लोग भी इस दिवाली बनाइए। और ये देखिए मेरी आम के पत्तों की और फूल की माला बन गई है। ये देखिए फूल मैंने इतने कम लगाए हैं क्योंकि दोस्तों फूलों का अकाल पड़ गया है, इस बार फूल पेड़ में हुए ही नहीं बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा लगाते हुए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया बना के मैंने लक्ष्मी माता को ऐसे खुश करने की सोची है। तो कैसी लग रही है मेरी हाथ की बनी हुई माला ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो आप लोग भी बनाइएगा। ये ब्लॉग तो शायद दिवाली के एक दिन बाद आएगा, तो नेक्स्ट ईयर आप लोग बना सकते हैं या फिर इसके बाद जो छोटी दिवाली होती है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए इतना सुंदर मंदिर, और ये जो लिखा हुआ है ये अर्पण कुमाऊं में बनाए जाते हैं कोई भी शुभ कार्य होता है उस समय में, तो ये मंदिर लिखा जाता है दिवाली के दिन या कोई शादी या कुछ और भी फंक्शन होता है, कामकाज होते हैं तो उसमें ये बनाया जाता है। ये देखिए इतना सुंदर ये लिखा हुआ है, ये दीदी ने लिखा हुआ है और ये अर्पण बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को ये लिखा हुआ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक डेली ये है जो लिखी हुई है मैंने, और एक ये फ्रंट वाली डेली है ये देखिए, और ये अर्पण दिए हुए हैं। ये वाले अर्पण, ये मंदिर अर्पण इसको बोलते हैं, ये मंदिर की तरह दिखते हैं ऊपर से तिकोने, तो ये भी बनाए हुए हैं। और ये देखिए ये वाली डेली भी लिखी हुई है मैंने, कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। उतने अच्छे से तो मुझे लिखनी नहीं आती लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाने की और बढ़िया से लिखने की। इसमें भी मैंने अर्पण दिए हुए हैं। ये है दादू की गोद में वैष्णो, हैप्पी दिवाली करो, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। ये देखो सुबह सुबह चॉकलेट शुरू हो गई, दिवाली है आज, बोलो हैप्पी दिवाली। और ये है पापा वेदू के साथ, और ये देखो वेदू की पायल आई है धनतेरस में, ये सुंदर सुंदर पायल, अब इसको पहन के डांस करेगी वेदू है। ये देखो मुंह देखो इसका, ये ऐसे चॉकलेट खाती है, खाओ वैष्णवी। इसने बताया तुमने देखा है, बिल्ली पकड़ के फेंक दे रही है बिल्लू, देखो इसकी कान नाक सब पकड़ दे रही है वैष्णव। ले दो कितना है, चल अपनी मम्मा के साथ चल, जा देखो अपनी मम्मा के साथ जा रही है, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरी परिवार की तरफ से, और आप लोग कैसे हैं, दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी मैंने आपको दिखाया हम लोगों ने दिवाली की शुरुआत सुबह से कैसे करी, फूलों की माला बन चुकी है आम के पत्तों की, फूल कम होने के कारण कुछ कुछ फूल लगाए हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है फूलों का, इस बार दिवाली जल्दी हो गई है तो इस वजह से, और सारे मंदिर में लगा दी है और बाहर भी लगा दी हैं। अभी बहुत सारे काम बचते हैं, अभी लक्ष्मी मैया बनानी है जो कि मैं गन्ने से बनाती हूँ, फर्स्ट दीपावली
मेरी यहाँ ये दूसरी दीपावली है ससुराल में, तो पहली दीपावली मैंने जो बनाई थी उसमें भी मैंने लक्ष्मी मैया बनाई थी गन्ने से और उन्हें सजाया था सुंदर से तरीके से, और इस बार भी मैं बनाने वाली हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ज़रूर देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे बनाई जाती है, और आप लोग भी फिर जो लोग नहीं बनाते हैं वो लोग भी बना सकते हैं। कितनी खुश हो रही गाड़ी में बैठ के, ओ खड़े नहीं होने, बाय वैष्णवी, बाय वैष्णवी, दिख रही है आपको ये देखो वैष्णवी, बाय बाय करो, बाय देखो गाड़ी में बैठते ही बस बाय बाय करो, अब बाय करो पहले बाय, हाँ ये देखो अभी तो बाय सीधे जाना, हाँ सीट बेल्ट लगाते हैं बाहर नहीं निकलते हैं, जल्दी बाय बोल रही है। ये देखिए जो आम के पत्तों से माला लगाई बनाई थी वो लगा दी है, और साइड में ये जो रेडीमेड वाली होती हैं ये लगा दी हैं, अभी ऊपर भी लगाएंगे एक सेंटर पे रेडीमेड वाली। और ये देखिए यहाँ से बनते हैं एप्पल, यह है तुलसी, और यहाँ पे अभी दीदी ने गेरू लगा दिया है, अब यहाँ पर एप्पल बनाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे पैर बनाएंगे, और ये सीधे जाते हैं अंदर, यहाँ से अंदर जाएंगी लक्ष्मी माता, और एक पैर ये है यहाँ पे बनाएंगे अभी, ये अभी गेरू लगा दिया है भिगा के, फिर इसके बाद चावल भिगा रखे हैं उसे पीसेंगे और उसे लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे लिखने के लिए, फिर इसमें लिखेंगे। ये देखिए 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 ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके लक्ष्मी माता यहाँ से अंदर आ जाएंगी। तो ये पुरानी परंपराएं हैं, आप लोग भी ऐसी रखिए, आगे को बढ़ाइए, भूलिए मत इन्हें। ये देखिए यहाँ पे भी लगा दिया है ये तोरण जो मैंने बनाया हुआ था आम के पत्तों से फूल लगा के, और ये साइड में रेडीमेड वाली, देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ऐसी ऐसा लग रहा है जैसे रेडीमेड होगा, तो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं। अब लक्ष्मी माता बनाने की तैयारी करेंगे, अभी मम्मी गन्ना लेके आएंगी, दो तो मंदिर में रखेंगे, पूजा होती है आज गन्ने की जैसा कि सभी लोगों को पता है, और एक से हम बनाएंगे उन्हें काट के, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, पहले गन्ना आ जाएगा फिर उनसे लक्ष्मी माता बनाएंगे और सुंदर सा उन्हें सजाया जाएगा। तो बस यही काम चल रहे हैं, और साफ़ सफाई तो ख़त्म ही नहीं होती है। और ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमने डाला है आंवले का अचार, ये बढ़िया सा बनाया हुआ है, पापा ने पहले आंवले उबाले सारे, फिर इसमें सारे मसाले डाले हैं, लहसुन भी डाला हुआ है, लहसुन भून के बड़ा स्वादिष्ट होने वाला है ये अचार, तो अभी ये डाल दिया है, क्योंकि ये आंवले अभी उतने अच्छे हुए नहीं थे, मतलब कि इनका भी टाइम हुआ नहीं था और भी ये बड़े होते, लेकिन छोटे में ही फिर पापा लेके आए, पापा को मिल गए थे कहीं से, तो वेस्ट ही होता वैसे भी, तो हम लोगों ने अचार डाल दिया, फिर जब खाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कैसा हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा, मैंने कपड़े सुखाए थे उन्हें लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे के काम के लिए। ये देखिए लक्ष्मी माता बनाने की तैयारी मेरी हो गई है, ये मैंने ले लिए हैं दो पीस गन्ने के, काट लिए हैं, इसको ऐसे खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद इसको बांधेंगे ऐसे खड़ा करके, इसे बैलेंस करेंगे बढ़िया से जिससे ये रुक जाए दोनों साइड से, और फिर उसके बाद ये वाले से हाथ बनाएंगे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये बाई चांस अगर दो से खड़े नहीं हुई तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ एक खड़े करने के लिए, क्योंकि तीन हो जाएंगे तो फिर आसानी से खड़ी हो जाएगी, वैसे तो तीन से भी दो से भी आसानी से खड़ी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रुक पाती, तो मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है।
और ये देखिए जो नीचे खड़ा करना होता है, बेस उसका तैयार हो गया है, गन्ने से एकदम बिल्कुल देखिए खड़ा हो गया है। तो एक मुझे ये जो मैं सोच रही थी नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये लगाना ही पड़ा, और वैसे लगाना ही होता है ये भी, क्योंकि फिर नहीं रुक पाता है उतने अच्छे से। अगर पीछे दीवार है उसका सहारा देना है तो एडजस्ट हो जाता है, वरना फिर बनाना पड़ता है। और ये देखिए ये मैंने हाथ बनाया, ये बाद ली है। अब मैं आगे क्या करती हूँ वो आप देखिए। ये रू सूख गया है बढ़िया, और इसमें ये पीस दिया है दीदी ने, ये देखो ये चावल पीस दिए हैं बढ़िया से एकदम, और कंसिस्टेंसी दिखा दो कितनी होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि नीचे से तो गाढ़ा है, वैसे भी नीचे बैठ ही जाता है वो। तो चलो अब हम बनाएंगे तो ऐसी बढ़िया सा डिजाइन यहाँ पे बना देंगे। और फिर ये जो पैर मैंने आपको दिखाए थे गोल गोल, इसमें हम पैर बनाएंगे, फिर जब बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। और बनाना ऐसे होता है कि तीन उंगली से ऐसे बनाना होता है, और फिर सब अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे। तो तैयारियाँ एकदम ज़ोरों पे हैं, और अब मैं चलती हूँ अंदर को मैया बनाने के लिए। फिर जब मैं बना लूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए ये है मुकुट, तो मुकुट मैं लाई हूँ इस साइज़ का, आप लोग इससे बड़ा भी मिलता है तो कुछ लोग बड़ा भी लगाते हैं। और ये देखिए ये हाथों में मैंने कपड़ा लगा दिया रेड कलर का, और इसे बांध दिया है, और ये धागे से बढ़िया। और ये मुकुट के पीछे यहाँ पे धागे होते हैं, दो छेद होते हैं, यहाँ पे से मैंने इसको अड़ाया धागा इसके बीच में, रक्षा धागा, क्योंकि रक्षा धागा मैंने यहाँ पे इसलिए बांधने के लिए लगाया क्योंकि वो दिखेगा नहीं, और ये जो कलर है ये कलर यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे तो ये छुप जाएगा अभी सारा, अभी माता रानी के कपड़े आएंगे तो। सो ये देखिए कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैंने मुकुट भी लगा लिया है बढ़िया से एकदम बांध लिया है, और ये माता रानी के हैं कपड़े, ये है चुनरी, और ये भी चुनरी है। इस चुनरी से अब मैं बनाऊंगी लहंगा, तो ये मैंने सुई धागा लिया हुआ है, इससे अब मैं ऐसे इससे लहंगा बनाऊंगी। और ये माता की चुनरी है, ये देखिए ये माता का श्रृंगार है, ये और ये है माता रानी का पिछौड़ा। तो चलिए रेडी करते हैं माता रानी को। ये देखिए दोस्तों मेरी माता रानी का लहंगा तैयार कर दिया है मैंने, और उनको मंगलसूत्र पहना दिया है एक छोटा एक बड़ा, और नथ पहना दी है जो कि बहुत बड़ी है लेकिन सुंदर लग रही है, और ये इनको टीका पहना दिया है, और ये देखो अभी इनकी चुनरी और पिछौड़ा बाकी है, तो चलिए वो भी पहनाते हैं। ये बन गई है लक्ष्मी माता, तो पूरी मेहनत करके मैंने बना दी है लक्ष्मी माता। ये देखिए ये चूड़ी पहनाई हुई है इस साइड भी, और ये मंगलसूत्र पहनाया है, नथ पहनाई है, नथ अपने मैंने छोटी पहना ली, और ये है मांटी का, और फूल भी रख दिए हैं बढ़िया सजा दिए हैं। ये देखिए कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा।
और ये देखिए दीदी ने बढ़िया से एप्पल दे दिए हैं। ये देखिए और ये सुंदर सुंदर पैर बनाए हुए हैं। यहाँ से माता रानी जाएंगी। ये देखिए और ऐसे ही सारे वहाँ तक बनाए हैं। हाँ उधर को चलाएंगे, अभी बाहर को नहीं। अब जल गई ना सर, नहीं वो वहीं पर जला लेना। एक वो ले जाओ कैंडल अपने हाथ में ही, बुझते रहेंगे आप, जलाते रहना। ना ना जलते रहो। ये मम्मी तैयार हो गई हैं। मम्मी सबको दिवाली की शुभकामनाएं दे दो। सब लोगों को दीपावली की बधाई हो, सबके घर में खुशियां आए और सबके घर में अच्छे अच्छे कार्य बने, सबका अच्छा हो, नया नया काम बनते रहे। इसको खोलने की बंद करने की बड़ी शौक है। हम लोग तैयार हो गए हैं दिवाली के लिए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग ऐसी खुशी से हमेशा हर साल दिवाली मनाते रहें और लक्ष्मी मैया आपके घर हमेशा के लिए बस रह जाए। यही मेरी मनोकामना है। और आप लोग ऐसे हंसते खेलते रहें और स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। मैं भी एकदम रेडी हो गई हूँ, दीदी और मम्मी भी रेडी हो गए हैं, सभी लोग पापा वैष्णवी सभी लोग रेडी हो गए हैं। अभी हम करेंगे पूजा और ये मंदिर हमारा सज के एकदम तैयार है। ये देखिए, ये है लक्ष्मी मैया हमारे घर आ चुकी है। लड़कियों को मन भावन गति देना, जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। व्रत के जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। की लाज रघो संग पुत्र हा।
जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोलो गणपति भगवान की जय हाथी झुमके चला हाय उठ गए हो सोई कहाँ थे खाना खा ली थी खाना खा ली थी मैं तो खाना खा ली थी ये देखो अब बोलो हेलो मेरा नाम मेदांशी है अरे वाह डांस करके चलो डांस करेंगे पैसा मिलेगा ये देखो वैष्णो खाना थोड़ी होता है व्लॉगिंग करनी पड़ती है डांस करो अरे विदु को वहां से नहीं आएगी लाइट इधर है ना कौन सा गाँव में आएगा जयलक्ष्मी माता ही गाना